दैट मीन्स हेडर फाइल आपको डिफाइन करना होगा क्लोजर सो हियर इंक्लूड stdio.h ओके देन आफ्टर दैट यू विल यूज क्योंकि हमें यूजर डिफाइन बनाना है तो क्या करेंगे व्हाट वी विल डू वी विल यूज द कीवर्ड void हियर वी विल यूज द कीवर्ड void एंड void वी विल राइट what DCA yes of course here क्या है ये void क्या है this is a return data type DCA क्या हमारा function name है parenthesis start किए enter opening curly braces after that we are going to write a program for odd and even numbers generate करना है तो क्या करेंगे पहले first of all we must provide a user friendly message एक message आना चाहिए यह प्रोग्राम किस चीज का होना है तो व्हाट वी विल राइट प्रिंटिव हमारा किस तरह का फंक्शन है प्री डिफाइंड है प्री डिफाइंड में क्या है आउटपुट फंक्शन है सो हियर प्रिंटिव एंड वी विल राइट स्टार मार्क्स एंड हियर वी विल यूज लाइक दिस फॉर्मेट सो हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर ऑड एंड इवन नंबर प्रोग्राम फॉर ऑड और इवेन नंबर यानी यूजर कोई भी नंबर एंटर करे एंटर करे इंसर्ट करे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए ये जनरेट होता है दैट मींस बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम बाय हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम वी कैन जनरेट अ ऑड और इवन नंबर रैंडमली ओके सो प्रोग्राम फॉर ऑड और इवन नंबर राइट प्रिंट इट दे अब नाउ हमने एक मैसेज दे दिया कि प्रोग्राम किसका करने जा रहे हैं फंक्शन से क्या होगा एक ही फाइल में इन वन फाइल वी कैन राइट अ मल्टीपल प्रोग्राम्स इन अ फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन वी कैन राइट मल्टीपल प्रोग्राम्स इन अ वन फाइल अभी फाइल एक ही है ना लेकिन मल्टीपल प्रोग्राम्स बनाएंगे किसकी मदद से फंक्शन की मदद से प्रोग्राम फॉर ऑड और इवन नंबर सो अगेन वी विल राइट प्रिंटेड enter any number देखिए हम enter any number क्यों नहीं क्योंकि user तो कुछ भी generate कर सकता है हम चाहते हैं और चाहे और generate हो that even होते हैं ना we can do this scanf will write double quote %d you know very well this is the format modifier for store the numeric value डबल कोट सिंगल कोट एंड परसेंट व्हाट विल राइट नाउ अभी क्या है स्टिल वी हैव नॉट डिफाइंड द डेटा टाइप तो हम क्या करेंगे जहां फंक्शन है उससे पहले क्या यूज करेंगे डेटा टाइप क्या होगा इन क्या डिफाइन करेंगे नम सो हियर नम के बाद क्या करेंगे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे आफ्टर दैट हियर यू कैन सी प्रिंट एज स्कैन डबल कोट परसेंट डी एंड परसेंट नम आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द लॉजिक व्हाई अब लॉजिक जो लगाएंगे लॉजिक भी वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको सोचना है प्रोग्रामिंग में क्या है ना बेसिकली बच्चे आपको पूरा पैटर्न को पता करना पहले आपको जानना पड़ेगा ऑड इवन होता क्या है सपोज हमारा कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 2 4 6 5 एक बार तो कॉमन आया लॉजिक निकालने के लिए आपको सोचना That means you must think regarding analytical theory. कोई भी एक नंबर ऐड हो जाता है तो वह और बन जाता है या इवन बन जाता है जैसे वन के साथ अगर वन जुड़ गया या टू बन गया तो क्या बन गया यार और इवन नंबर बन गया लेकिन टू के साथ जैसे ही वन जुड़ा तो क्या बन गया फिर थ्री के साथ वन जुड़ा तो क्या बन गया यानी हम ऐसा लॉजिक चलाएंगे ऐसा लूप चलाएंगे कि ऐसा सीरीज जनरेट हो जाए तो क्या करेंगे हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई द लॉजिक व्हाइल नम लेस देन इक्वल टू 10 क्योंकि 10 जरूरी नहीं है आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं लेकिन हमने यहां पे 10 तक चाह रहे हैं जनरेट करना ओके तो हमने 10 लिया व्हाइल नम लेस देन इक्वल टू 10 आफ्टर दैट वी राइट प्रिंट इफ यू कैन सी प्रिंट इफ डबल कोट slash 10 and you will write the %d you can use and after that define a num okay so here you can see after that semicolon but one thing is very important
स्टिल वी हैव नॉट डिराइव्ड द लूप, अभी तक हमने लूप को ड्राइव नहीं किया, तो क्या करना होगा इसमें, लूप को ड्राइव करना होगा। तो लूप को ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, नम माइनस माइनस या नम प्लस प्लस, नम माइनस माइनस या प्लस प्लस, नम प्लस प्लस हो गए। अब क्या है, ये हमारा कौन सा बीसीए में बना है, क्या बना है, इसको आप ऑड इवन भी बना सकते हैं फंक्शन, उसको कोई कर दीजिए, कोई भी हो सकता है, बीसीए कर दीजिए। नेक्स्ट क्या, एक और फंक्शन बनाइए, फंक्शन नेम इज वाई बीसी हो गया, सेकेंड एक बना देते हैं बीबीए, ओके वाइड बीबीए, ठीक है वाइड बीबीए। अब क्या है, इस फंक्शन आप लोग क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू जनरेट अ टेबल कॉम्प्लेक्स या फैक्टोरियल नंबर, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, या आप रिवर्स नंबर का भी प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी आपको जनरेट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट डिफाइन द डेटा टाइप इन टैब काउंट, क्लियर है, and now we will write the